रुकने पंजाब असेंबली नजीर चौहान लाहौर में गिरफ्तार। शहजाद अकबर पर इल्जामात के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब को LDA प्लाजा ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। जहांगीर तरीन ग्रुप का हंगामी इजलास तलब, जवाबी तरीक़ेकार पर गौर किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में बदतरीन शिकस्त पर नवाज शरीफ बरहम, जिम्मेदार कौन, धांधली के सबूत मीडिया पर लाने की हिदायत। लीगी रहनुमा कुछ देर बाद अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। शहबाज शरीफ ने शिकस्त की जिम्मेदारी मरियम नवाज पर डाल दी। कहा कि मरियम ने सिर्फ जलसे किए, इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई, मुजाहमती बयानिया नाकामी की वजह बना। मुजाहमती ग्रुप ने मौकफ अपनाया कि शहबाज शरीफ पार्टी सदर हैं, उन्हें इंतखाबी जलसे करने चाहिए थे, वो किसके कहने पर कश्मीर नहीं गए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर सियासी बयानबाजी कम ना हो सकी। परवेज रशीद ने वोटों और सीटों के तनासुब पर सवाल उठा दिए। शहबाज गिल ने जवाबी ट्वीट में लीगी रहनुमा को अजीम राजीदान का खिताब दे दिया। तंज किया, कन्ना तंबू और शादी के बर्तन गिना करें, कहाँ हिसाब किताब के चक्करों में पड़ गए। कोरोना में खौफनाक हद तक इजाफा। कराची में शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल पाबंदी लगाएं, कोई गैर जरूरी घर से बाहर ना निकले। वज़ीर आला सिंध ने IG और कमिश्नर कराची को हिदायत कर दी। कोरोना टास्क फोर्स इजलास में कहा कि परेशानी की बात है, कोविड बढ़ रहा है। शहर कायद में मुस्बत केसेस की शरह 26% हो गई, सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मजीद इकदाम लेंगे। मुर्तजा वहाब बोले कि कराची और कारोबार से दुश्मनी नहीं, लॉकडाउन लगाकर खुशी नहीं होगी, आवाम के मफाद में सख्त फैसले करते हैं। रुकने सिंध असेंबली सईद आफरीदी वबा का शिकार। चीनी महंगी क्यों हुई, शुगर मिल्स एसोसिएशन की वज़ीर आज़म इमरान खान को खत में वजाहत। कहा चीनी पर सेल्स टैक्स की शरह 8 से 17% की गई, सरमाए पर जायद शरह सूद से कीमतों में इजाफा हुआ। बगैर सब्सिडी $3 अरब की चीनी बरामद करने की सलाहियत रखते हैं। उम्मीद है सऊदी अरब पाकिस्तानियों के वीज़ा पाबंदियों पर नज़रसानी करेगा। सऊदी अरब की खुशहाली और तरक्की अपनी तरक्की से ताबीर करते हैं। वज़ीरे ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा दोनों ममालिक ने हर मुश्किल में एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। आलमी बरदरी अफगान क़यादत पर जामे मज़ाकरात के लिए जोर डाले। सऊदी वज़ीरे ख़ारजा फरहान बिन फैसल अल सऊद बोले कि बाहमी ताल्लुकात के तमाम शोबों के फरोग पर बात की, इलाकाई सलामती पर भी तबादला ख्याल किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।